हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चौधरी ज्ञान में। मैं आदित्य और ये हमारी वीडियो का पार्ट थर्ड है। इससे पहले कि हम अपने दो पार्ट और कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट आपके ऊपर आई बटन पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं और ये सेकेंड पार्ट को भी आप वहीं से देख सकते हैं। नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनकी लिंक दे दूंगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड में और काफ़ी चीज़ों के बारे में, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु की कुछ कंट्रीज के कंपेरेटिव में इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में, और भी कुछ सिस्टम है जो हमारे उसके बारे में। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को। इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, जो कि इनकम हो गई पहली कंट्री को मेजर करने के लिए, और अदर कौन से क्राइटेरियाज हैं। इनकम तो ठीक है भाई, इनकम हो गई, और कौन से क्राइटेरिया। अंडर डेवलपमेंट लेवल अंडर द रीजन शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर एट्रीब्यूट, और कौन से एट्रीब्यूट के द्वारा जज किया जा रहा है बिसाइड इनकम। इनकम के अलावा टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक द कंपैरेटिव एनालाइजिंग ऑफ थ्री स्टेट। इन्होंने तीन स्टेट लिया यहाँ पर, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, तीन स्टेट यहाँ पर लिए इन्होंने, उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ आपके सामने। इस चार्ट को बहुत अच्छे से अगर आप याद कर सकते हैं तो प्लीज याद कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरह कुछ आ जाता है एग्जाम में, अगर आप इसे बना कर आएंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर एक जगह लिखा है स्टेट, स्टेट में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, केरला, बिहार। एक जगह लिखा है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। आप बताते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी माने कि इन्फेंट मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे, शिशु जिसे कहते हैं, शिशु। और मॉर्टेलिटी पास आप जानते होंगे डेथ रेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये मृत्यु रेट दिया गया, मृत्यु दर। और लिटरेसी रेट पता है आपको, पढ़ा लिखा, लिटरेसी मतलब साक्षर, लिटरेसी मतलब अनपढ़। नेट अटेंडेंस ऑफ पर 100% सेकेंडरी स्टेज 14 से 15 ईयर के बीच में, जो कि अच्छे पर्सन कहलाते हैं, एक वर्किंग पर्सन, तो उनकी एक कुछ रेशियो दिया गया है। ठीक है, और लास्ट हमारा पर कैपिटल इनकम, जो इनकम के हिसाब से भी हमने पर कैप हम लोग देखा, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं जैसे। ठीक है, तो देखिएगा महाराष्ट्र में कितना है मॉर्टिलिटी रेट, 25, और लिटरेसी रेट लेकिन थोड़ा अच्छा है, 82, और ये एजेस के बीच में 64, और पर कैपिटल इनकम तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है। केरला की देख लीजिए आप, 12, 94, 78, 88। अभी मैं आपको इसका समझाने वाला हूँ, नीचे इसका कंक्लूजन भी दिया गया है पूरा, वो भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए आइए अब सीधा कंक्लूजन पे ही आते हैं, आपको चार्ट थोड़ा समझ गए होंगे आप। तो देखिए आप नहीं समझे होंगे तो नीचे से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस टेबल को देखिए, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की तरह से लेकर देखा गया है क्या क्या इसके कंक्लूड होता है। देखिए पर कैपिटा इनकम इज द हाईएस्ट इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में देख सकते हैं आप पर कैपिटा इनकम हाइयर है, देख सकते हैं, देख लिया आपने। एंड लोवेस्ट इन द बिहार, लेकिन बिहार में क्या सबसे कम है, देखिए आपने। दैट इंडिकेट द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ द अर्निंग इज क्वाइट लेस इन बिहार, तो बिहार में जो है कि क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होंगे और स्टेटस जो आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट होगा वो भी कम होगा। नेक्स्ट चीज देख लीजिए, नेक्स्ट चीज क्या है, IMR इनफैक्ट मॉर्टिलिटी रेट इज लोअर इन केरला। देखिए केरला में सबसे कम है, केरला में सबसे कम है मॉर्टिलिटी रेट, एंड द हाईएस्ट इन बिहार, बिहार में सबसे ज्यादा है। द हाई MIR इंप्लाइज दैट द हेल्थ केयर फैसिलिटी इज पुअर एंड हाई पर कैपिटा इनकम डज नॉट गारंटीड फॉर द बेटर हेल्थ फैसिलिटी। ये बात यहाँ पर कितनी अच्छी देखी है, यहाँ पर देखिए जो मॉर्टिलिटी रेट है वो क्या है, मृत्यु दर है। तो मर क्यों रहा आदमी, क्यों मर रहा है बच्चे, क्योंकि वही हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है सही। तो केरला में भाई साहब देखिए सबसे कम है, क्योंकि वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होगी लेकिन बिहार में नहीं होगी अच्छी। ठीक है, और अगली देखिए, लिटरेसी रेट हाईएस्ट इन केरला एंड लोवेस्ट इन बिहार, देख सकते हैं आप लोग, साफ साफ दिख रहा है आपको। देखिए 94 लिटरेसी रेट, 62। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो द हाईएस्ट इन केरला, केरला में ये भी हाईएस्ट है एंड लोअर इन बिहार। दिस एस्पेक्ट इंडिकेट दैट पर कैपिटा इनकम इज नॉट द बेस्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड द डेवलपमेंट। समझ गए यहाँ पर आप, क्यों इतनी देर से कहा जा रहा था इनकम ओनली नहीं है, इनकम ओनली नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें भी तो हैं, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ ऊपर आपको दिख रही हैं। पर कैपिटा इनकम नॉट ओनली द बेस्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड द डेवलपमेंट बट द बेसिक फैसिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो मैटर मच एंड मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड फॉर डेवलपमेंट। तो क्वालिटी ऑफ द लाइफ भी देखनी पड़ेगी हम लोग को, और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। और आप देख लेते हैं पब्लिक फैसिलिटीज, इसलिए बात आ जाती है अब यहीं से सीधे पब्लिक फैसिलिटीज की। तो मॉनेटरी
मॉनेटरी जानते हैं आप मुद्रा यानी कि पैसे, डेवलपमेंट और अ मोर एवरेज इनकम मे नॉट बी प्रोड्यूस अ बेटर लाइफ, बेटर लाइफ नहीं दे सकती है, इट कैन नॉट बाय द पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अगर आपके पास पैसा है जरूरी नहीं है आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हैं, एनवायरनमेंट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन और प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिसीज, और डिसीज से ही बच सकते हैं। अगर कंट्रीज के पास अच्छी इनकम है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इन सब चीज़ों से भी मुक्त हो। सो द पॉपुलेशन फैसिलिटी लाइक प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्लीननेस एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग। ये सारी पब्लिक जो फैसिलिटी हैं बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी हैं पीपल्स के लिए। कौन सी पब्लिक फैसिलिटी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड क्लीननेस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग। बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जिसे कहते हैं पीडीएस। पीडीएस सम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु हैज वेल फंक्शंस ऑफ पीडीएस। कुछ स्टेट हैं जो तमिलनाडु के अच्छा, काफी अच्छा वहां पर जो वेल फंक्शंस है पीडीएस के, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफी अच्छा चल रहा है। फॉर सप्लाइंग ऑफ फूड ग्रेन टू द पुअर, जो गरीब लोग हैं उन्हें फूड ग्रेन देने के लिए। पीपल इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। वेयर एज झारखंड डज नॉट हैव सच एंड एफिशियंट सिस्टम, एंड तमिलनाडु 75% ऑफ द पीपुल लिविंग इन रूरल एरिया यूज आर रेशन शॉप। रेशन शॉप आप जानते होंगे जो कि राशन की दुकानें होती हैं विलेजेस में। वे आर एज इन झारखंड ओनली 8% ऑफ द रूरल पीपुल्स आर एबल टू डू सो। और झारखंड में ऐसा सिर्फ 8% पीपुल को ही मिल रहा, तमिलनाडु में कितने? 75% पीपुल्स को ऐसा हो रहा है। तो बस आज की वीडियो में हमारा इतना ही, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा वो उसमें हम बात करने वाले हैं बॉडी मास इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, जो कि हमारे होने वाले हैं आखिरी पार्ट्स। तो वीडियो को जरूर देख लें। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में भी आया हो और आप यहाँ से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी।